श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि वर्कहॉलिक क्या होता है और ये लत क्या होता है वर्कहॉलिक का, इसके लक्षण क्या है। लोगों को कई तरह का नशा होता है, इसमें एक नशा अत्यधिक काम करना भी होता है। यह प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बार अच्छा हो सकता है लेकिन सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका स्वास्थ्य पर भी बहुत खराब असर पड़ता है। वर्कहॉलिक लोगों को अपने ऑफिस के काम के अलावा और किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो पाता है। वे हर समय अपने काम के बारे में बात करते हैं, वही सोचते हैं। आमतौर पर कर्मचारी काम के दौरान कई बार परिवार और शॉपिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन वर्कहॉलिक लोग परिवार और शॉपिंग के बीच में भी काम के बारे में सोचते हैं। अभी कैसे होते हैं वर्कहॉलिक, कौन होते हैं वो लोग? काम और निजी जीवन में संतुलन बेहद ज़रूरी है। कुछ लोगों को सामाजिक और पारिवारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं रहता है, वे हमेशा सिर्फ ऑफिस के काम की ही चिंता करते हैं। ऐसे कर्मचारी वर्कहॉलिक होते हैं। अब इनके लक्षण क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। ऐसे लोग अपने बॉस को किसी काम के लिए इनकार नहीं कर पाते। उनके परिवार या दोस्त उनसे कुछ कहते हैं तो वे उसे कभी हाँ नहीं कह पाते और अपने काम की दुआई देते रहते हैं। ये छुट्टियों पर बेहद कम जाते हैं और जब जाते भी हैं तो अपने काम से ही जुड़े रहते हैं। इनकी पर्सनल प्रायोरिटीज कुछ नहीं होती है, इससे इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। वर्कहॉलिक कर्मचारी या वर्कहॉलिक लोग हमेशा अपने काम का तनाव लेते हैं। इन्हें टीम वर्क पर यकीन नहीं होता है और खुद ही अकेले सभी बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं ताकि उनकी तारीफ हो। इनकी कोई हॉबीज नहीं होती है, ना ही किताबें पढ़ते हैं और ना ही गाना सुनते हैं। परिवार को भी समय नहीं देते। ये घर पर भी हमेशा ऑफिस के फ़ोन और काम में लगे रहते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं। वर्कहॉलिक लोग हमेशा अपने काम की बात करते हैं। ये सबसे पहले अपने ऑफिस आते हैं ताकि काम पर फोकस कर सकें और सबसे बाद में ऑफिस से निकलते हैं ताकि इन्हें पूरी तरह से काम निपटा कर जा सकें। अब इन्हें स्वास्थ्य पर क्या क्या असर होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। इनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है और पेट से जुड़ी समस्याएं होती रहती हैं। ऐसे कर्मचारी को हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। इनका ब्लड प्रेशर भी सामान्य नहीं रह पाता है। ये काम करते करते चिड़चिड़े हो जाते हैं और अगर सफलता नहीं मिलती है तो तनाव में आ जाते हैं। इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, नींद कम आने से स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है और थकावट भी होती है। इन्हें माइग्रेन की समस्या हो सकती है। एक्सरसाइज की कमी के कारण इनके शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।